समय दूरी तथा चाल से अभी तक मैं 6 वीडियो बना चुका हूँ, ये 7वां वीडियो है और इसमें एक ही प्रश्न है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मजेदार प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक से वाई बिंदु के लिए प्रस्थान किया तथा बी एक निश्चित चाल से वाई से एक्स बिंदु के लिए चलना शुरू किया। दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद ए 9 घंटे के बाद वाई बिंदु पर पहुंच गया जबकि बी को एक्स बिंदु पर पहुंचने में 4 घंटे का समय लग गया। बी की गति क्या है? बी की गति ज्ञात करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है आरआरबी एनटी पीछे में पूछा गया था। आप नहीं जानते या मैं भी नहीं जानता कि एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, इसीलिए मैं किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करता हूं तो हर एक तरह का प्रश्न आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहां पर दो बिंदु बनाएंगे, कौन कौन है? एक्स और वाई है। इधर में मैंने वाई बिंदु ले लिया, इधर में मैंने एक्स बिंदु ले लिया और दो व्यक्ति ए और बी है। ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक्स से वाई बिंदु के लिए प्रस्थान किया। ए यहां पर है, मैं यहां पर ए लिख देता हूं। ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वाई बिंदु के लिए प्रस्थान करता है। समझ में आ गया है? अब आगे चलते हैं। तथा बी एक निश्चित चाल से, बी का चाल नहीं दिया हुआ है, बी का चाल निकालना है। बी एक निश्चित चाल से वाई से एक्स बिंदु के लिए चलना शुरू किया। अब यहां पर वाई बिंदु पर कौन है? वाई बिंदु पर बी है और वाई बिंदु से एक्स बिंदु के लिए चलना शुरू करता है एक निश्चित चाल से। चाल मालूम नहीं है तो इसको मान लेते हैं, इसको बी ही मान लेते हैं, ठीक है। बी किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है? अभी तक प्रश्न कंप्लीट नहीं हुआ है। जब ये दोनों चलना शुरू करेंगे तो कहीं पर मिलेंगे। ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक्स से वाई बिंदु के लिए चलना प्रस्थान किया तथा बी एक निश्चित चाल से वाई से एक्स बिंदु के लिए चलना शुरू किया। दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद ए 9 घंटे के बाद। अब यहां पर समझिए, मान के चलते हैं कि यहीं पर, मतलब कि इधर में कहीं पर दोनों मिला होगा क्योंकि ए इधर जा रहा है और बी इधर आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलेगा, ये तो क्लियर है। तो अब मान के चलते हैं कि यहां पर दोनों मिल गया, इसका नाम दे देते हैं जेड। जेड बिंदु पर आके मिल गया, हालांकि इसका कोई जरूरत नहीं है लेकिन मैं समझाने के चलते जेड बिंदु पर मिल गया। अब यहां पर समझने का प्रयास करिएगा, ए एक्स बिंदु से चलना शुरू किया और जेड बिंदु में बी से मिला, मिलने के बाद ए 9 घंटा में यहां पर पहुंचा है वाई बिंदु पर। याद रखिएगा, 9 घंटा में, यहां पर मैं 9 घंटा लिख देता हूं, 9 घंटा में वाई बिंदु पर ए पहुंच गया। बी वाई बिंदु से चलना शुरू किया था एक्स बिंदु के लिए तो ए से यहां पर मिला था, मिलने के बाद बी यहां पर कब पहुंचा? दिया हुआ है 4 घंटे में पहुंच गया, ठीक है। यही चीज है प्रश्न में। सबसे पहला काम, प्रश्न को अच्छा से पढ़ के समझिए, समय देकर पढ़िए। कुछ लोग सोचते हैं वीडियो बहुत बड़ा हो गया, अगर मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख के सॉल्व करके आंसर बता देता तो शायद आप लोग को समझ में, कुछ लोगों को शायद समझ में आ जाता लेकिन मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आता। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक बार आप अच्छा से पढ़िए, समय निकाल कर पढ़िए, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तब क्या करेंगे? समझ में आ गया प्रश्न?
फॉर्मूला है, फॉर्मूला को याद रखिएगा, ए की चाल, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, ए की चाल बटे में बी की चाल आप लिख लीजिए बराबर। इसके बाद यहां पर मैं शॉर्टकट में लिखूंगा क्योंकि इधर में स्पेस कम है, ठीक है। यहां पर ए की चाल लिखे है ना, तो इधर में हम क्या करेंगे, ए को बी से मिलने के बाद यहां पर कितना समय में पहुंचा, 9 घंटा में। तो ए की चाल ऊपर में है ना, तो जो ए का समय है उसको आप नीचे में रख दीजिए, यही काम करिएगा, और बी का यहां पर रख दीजिए। तो बी बी ए से मिलने के बाद एक्स बिंदु पर कब पहुंचा, 4 घंटा में, तो यहां पर रख दीजिए। उल्टा है ना, यहां पर ए की चाल है तो यहां पर बी का समय है, यहां पर बी की चाल है तो यहां पर नीचे में ए की चाल है, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसका वर्गमूल निकल जाएगा, ये हो जाएगा 2, और इसका वर्गमूल निकल जाएगा हो जाएगा 3, और ए की चाल दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां पर आप 40 लिख दीजिए, और बी की चाल नहीं दिया हुआ है, हम लोग मान के चले हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां पर आप बी रख दीजिए। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, तो इसको गुणा करेंगे तो बी एकम बी, और सॉरी बी गुने 2 होगा तो 2b हो गया, और इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 गुने 3। अगर आप चाहेंगे तो 2 से आप इसको काट सकते हैं, नहीं तो बी बराबर ये 2 बटे में चला जाएगा, ठीक ना। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 1 0, तो बी बराबर आ गया है 20 या 60, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा बी की चाल है, आंसर आ गया है। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना था, तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला में 4 चीज है, अगर 4 चीजों में अगर 3 कोई भी दिया हुआ है तो आप चौथे को निकाल सकते हैं, जैसे इसका नहीं दिया हुआ था इसको हम लोग निकाल लिए, अगर ए की चाल नहीं दिया हुआ रहता तो इसी फॉर्मूला से ए की चाल निकल जाता, अगर यहां पर ए का समय नहीं दिया हुआ रहता तो ए का समय निकल जाता, अगर बी का समय नहीं दिया हुआ रहता तो बी का समय निकल जाता, ठीक ना। तो इसी तरीके से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है, और कंटिन्यू वीडियो देखने का प्रयास करिए, और कहीं पर थोड़ा भी डाउट होता है तो जरूर कमेंट में लिख के बताइए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।